नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनु स्वागत छे। सौप्रथम एक नजर आजना मुख्य समाचार। भारत सजीव खेतीना सहारे कपासनु सौथी वधु उत्पादन करनार देश बन्यो छे। भारतनी आ सिद्धि पाछळ गुजरातना कच्छ जिल्लाना प्रगतिशील खेडूतोनो फाळो नानो सूनो नथी। एक रिपोर्ट। गुजरातनी यश कलगीमां एक वधु छोगु उमेरायुं छे। भारत सजीव खेती विश्व में सौथी वधु कपास उत्पादन करनार देश बन्यो छे। एनी पाछळ कच्छ जिल्लानो सिंह फाळो छे। भूकंप पछी सेल नामनी पेट्रोलियम पैदाश उत्पन्न करती संस्था अने रासायणिक खातर बनावती एक्सेल नामनी कंपनीए अहीना खेडूतोने सजीव खेतीनो मार्ग अपनाववा प्रेर्या। तेना ज परिणाम स्वरूप कच्छनी बिन उपजाऊ जमीन आजे कपास तेमज अन्य पाकोना विपुल उत्पादनथी भरीभादरी बनी छे। हमने भुज में ये जो प्रोजेक्ट एग्रोसेल के साथ शुरू किया था वो सन 2001 में शुरू किया था अर्थक्वेक के बाद। और भुज एक ऐसा रीजन है जो पानी से, जहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत एरिड जगह है जहाँ पर कॉटन ग्रो करती है। लोगों केमिकल और फर्टिलाइजर जो वापरे छे एनो ओछामां ओछो उपयोग करिए और धीरे धीरे अमे एने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तरफ लई जईए। रासायनिक खातर ने छोड़ीने संपूर्ण ऑर्गेनिक खातर उत्पादन तरफ वळेल एग्रोसेल अने सेल संस्थाए सजीव खेतीनी शरूआत 30 खेडूतोने साथे राखीने करी हती। आजे आशरे 5000 जेटला खेडूतो तेना सभ्यो छे। अहीना खेडूतो द्वारा उत्पन्न थता सजीव कपास तेमज अन्य पाकोनी मांग इंग्लेंड, आफ्रिका अने विश्वना अनेक देशोमां छे। पहला मैं खेती करता ते माने जमीन बहुत कड़क रहती तो माने ऊपर दोष हो जाती अने आ मैं सजीव खेती में दौड़ाना करे जो ही कोई भी खातर भी दूजे ये मैं अंदर नाखी अने पसे हम खेड़ करिए पसे जमीन बहुत भर पड़ी आटला दिवसो उत्पादन आतो अने मैं सजीव खेती में दौड़ाना 500 वर्ष थी ते करती मन बहुत फायदो। भूकंपे जे विस्तार ने संपूर्णपणे ताराज करी नाख्यो हतो त्यां आजे सजीव खेतीए आ खेडूतोने पुनः जीवननो राह चींध्यो छे। कच्छना वेरान रणमां आजे सजीव खेतीए सजीव क्रांति के हरियाळी क्रांति लावी छे तेवुं कहेवामां जराय अतिशयोक्ति नथी। दिलीप सिंहनो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, अमदावाद। समाचार बुलेटिन ही समाप्त करीए छीए। नमस्कार।